हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश 50 मार्क, जिसके आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम है विद द फोटोग्राफर, जिसके लेखक की बात करें तो है स्टीफन लियोकॉक। इसमें से जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, हम लोग सभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेना है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.boardparikha.com में जाकर के आप इसका PDF देख सकते हैं। आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितने भी 10 क्लास और 12 क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी पढ़ाई के लिए आपके मटेरियल होते हैं, वहाँ पे पूरा आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप लोग घर बैठे बिना किताब से आप वहाँ वेबसाइट के जरिए से आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से। सो यहाँ पे आ चुका आपके सामने क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे विद द फोटोग्राफर इज रिटन बाय, यानी मतलब फोटोग्राफर के साथ ये जो विद द फोटोग्राफर है द्वारा लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर आपको हो जाएगा स्टीफन लियोकॉक, जैसे कि आपको बताएं पहले में ही। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्टीफन लियोकॉक विद द फोटोग्राफर हैज़ बीन एडेप्टेड फ्रॉम, तो यहाँ पे कहाँ से लिया गया, ये स्टीफन लियोकॉक के फोटोग्राफर जो है ये से अनुकूलित किया गया है। कहाँ से अनुकूलित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका बिहाइंड द बियॉन्ड, ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है लेडीज कंपेनियन फॉर 1912, द गर्ल्स मैगजीन्स फॉर 1902 एंड द इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888 आर द नेम ऑफ मैगजीन्स एसोसिएटेड विद द चैप्टर, यानी कौन से चैप्टर से ये एसोसिएटेड किया गया है। यानी 1912 के लेडीज कंपेनियन और 1902 के लिए लड़की की पत्रिका और 1918 के लिए इन्फेंट जर्नल किस अध्याय के साथ, मतलब अध्याय के साथ पत्रिकाओं का नाम है, तो ये कौन से पत्रिकाओं का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका विद द फोटोग्राफर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है द फोटोग्राफर मेड हिम टू वेट फॉर, फोटोग्राफर ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था कितना घंटा, तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी 1 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हम लोग कि द फोटोग्राफर कॉल्ड द राइटर टू सी द प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफर ऑन, फोटोग्राफर ने लेखक को अपने फोटोग्राफ का प्रमाण देखने के लिए बुलाया, तो यहाँ पे कब बुलाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका सैटरडे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे कि आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 ईयर्स हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, यानी मैं 40 वर्षों से इसके साथ रह रहा हूँ, ये कहाँ से लिया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विद द फोटोग्राफर, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे द फोटोग्राफर स्टूडियो वाज, यानी फोटोग्राफर का स्टूडियो था कैसा था, तो ये हो जाएगा आपका वेरी बैड नेटली, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, वेरी बैड नेटली। तो यहीं तक 7 क्वेश्चन थे क्योंकि इस चैप्टर में आए हुए थे, हम लोग अगले चैप्टर में बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जितने जल्दी लाइक करेंगे तो आपका नया नया चैप्टर जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग अगर वेबसाइट को अभी तक नहीं विजिट किए तो आप लोग वेबसाइट में आकर के एक बार विजिट कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।